हेलो दोस्तों, मोबाइल गुरु में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये ओप्पो A71 है, इसे UMT के द्वारा कैसे हार्ड रिसेट करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो UMT द्वारा इसे हार्ड रिसेट करने के लिए सबसे पहले हम ये अपना जो QC फायर है इसको रन कर लेंगे। इस तरह से QC फायर को रन करने के बाद में दोस्तों हमें कौन कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अगर इसमें पैटर्न लॉक या सिक्योरिटी लॉक रहता है तो ये कीपैड से हार्ड रिसेट ही होता है, तो उसे हमें UMT टूल्स की ज़रूरत ही पड़ती है। तो ये स्टार्ट होने के बाद में रीड एंड टूल्स में जाएंगे और ये जो ब्रांड है यहाँ पे हम ओप्पो सेलेक्ट कर लेंगे और मॉडल में ये जो आपका A71 है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये बता रहा है ओनली फॉर्मेट FS विल वर्क फॉर दिस मॉडल, मतलब इसमें आपका जो FS है ये फॉर्मेट हो जाएगा, तो जिससे आपका ये जो इसमें सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले FS को यहाँ से ओके कर लेंगे और उसके बाद में हैंडसेट को हम स्विच ऑफ करने के बाद में इसका जो पावर इसका वॉल्यूम बटन दोनों भी प्लस माइनस दोनों जो है इसे एक साथ में पकड़ के रखेंगे और उसके बाद में USB लगाएंगे तो जिससे ये कनेक्ट होगा। तो स्क्रीन पे देखिए इसे हम लोग इसका वॉल्यूम प्लस माइनस दबा कर इसे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये कनेक्ट हो गया, ये देखिए फॉर्मेटिंग यूज़र डेटा यहाँ पे दिखा रहा है। ऑपरेशन फिनिश लिख के आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये आपका जो हैंडसेट था वो पूरी तरह से रीसेट हो गया है। इसे हम ऑन करके चेक कर लेंगे। यहाँ पे इनसफिशिएंट स्टोरेज बता रहा है, एक बार ये आपका हैंडसेट रीसेट के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इसे रीसेट कर लेंगे। और रीसेट अब यहाँ पे देखिए ये रीसेट हो पा रहा है, लॉक वगैरह रहता तो रीसेट नहीं होता है, तो रीसेट होने के बाद में हम इसे आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।